लग रहा तो रात जबरदस्त आम ही मोन जुड़े का करके जाना पड़ेगा यानी लोग ऐसा कुछ प्रेयर करके जाते हैं आम ही मोन का आम ही का करके पहुंच जाते हैं फिल्मों में यानी मुझे लगा आ, कि फिलहाल मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ रिमिक्सेस ही हो रहे थे शुड स्टार्ट सिंगिंग आमी जी तुम्हार हाँ या एंड आई डांस लाइक मोन और आप फिर मुझे बोल सकते हो कि आप मुंबई से जा सकते हैं ना बोलो हाँ, आप आप मुंबई मुंबई आ रहे हो मगर पैदल धीरे धीरे आना मिर्ची पर मैं एंड आई डोंट थिंक सो दैट यू नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बिकॉज़ मेरे साथ में है कमाल के अमाल आई वाज प्रैक्टिसिंग दिस मुझे पता है ले में बट फिर भी क्या है ना कि अच्छा लग रहा है बोलना बिकॉज आई एम रियली वेरी चल रहा है एंड कंग्रेचुले भुल थ्री

कबीर सिंह एंड साइना नेहवाल की जो बायोपिक थी उसके बाद मैंने खुद एक उस पर हार्ड स्टॉप लगा दिया था बिकॉज आई वॉज डूइंग मोर ऑफ माई इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टार्टेड माई ओन वो सब पूरी एक जो एक जर्नी है हुँ. वो कर रहा था एंड फिल्मों में यानी मुझे लगा uh, कि फ़िलहाल मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि uh, <laughs> सिर्फ रीमिक्स हो रहे थे. ही देख रहे हैं आज आप नहीं यानी करना चाहिए कि अब ये ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी या एक नया चैप्टर होगा सो आई वांटेड टू मेक दैट मूव एंड इट हैज बीन अमेजिंग यानी फॉर मी द काइंड ऑफ लव दैट आई हैव बींग म्यूजिक कम्पोजर क्योंकि आईव सीन बचपन से देर इज अर्टन लेवल ऑफ स्टारडमड विद एनी फिल्म लाइन बट जो एक कंपोजर और एक लिरिक्स uh, राइटर को कहीं ना कहीं लास्ट समवेट इल द 90s एक वो पोजिशन रिस्पेक्ट और फेस वैल्यू थी लाइक हाउ पीपल न्यू हाउ नदीम शर्वन अनू मलिक जतिन ललित हु देवर रहमान सर वो एक कहीं ना कहीं लास्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स में कम होती गई एंड मोर देन फेस वैल्यू इट इज मेरी लर रिस्पेक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है और होना भी चाहिए क्योंकि एनी वन उज आई वॉन्ट टू से दिस थ्रू दिस मीडियम के जो जो सुन रहे हैं मुझे जो म्यूजिशंस बन रहे हैं म्यूजिशंस बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री या कहीं पर भी दे वॉन्ट टू मेक अ प्लेस सेल्फ रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है और अपनी जर्नी खुद काव आउट करनी भी जरूरी है यानी मेरे इस डिसीशन से कहीं ना कहीं मेरे डैड मॉम, ब्रदर सब लोग काफ़ी तनाव में आ गए थे लाइक यू नो प्राइम भी नहीं बोल सकते कि अभी तो शुरू हुए हो यू नो फ्रॉम इन योर जर्नी यू जस्ट बिगिन इन 2014 एंड बाय 19 यू से क्विट जी अभी नहीं बाद में देखेंगे मोर लाइक अवट इट वॉज जस्ट दैट मेको जिस टाइप का म्यूजिक एज अन बींग जो मैं हुआ इमोशनल हु ऑनेस्ट हूँ एंड जैसा म्यूजिक मैं करता हूँ और कर रहा था उससे मैं खुश था एंड देन समवेयर आफ्टर कबीर सिंह द काइंड ऑफ वर्क दैट वॉज कमिंग थ्रू वॉज नॉट एक्साइटिंग ओनली

हो जाता है वेन आई वेन आई वर्क विद पीपल जो इंटेंट गड़बड़ है तो फिर मैं वहाँ से भाग काट लेता हूँ अमाल कहाँ है अमाल स्टूडियो में थे अभी और अब वो भाग गए अभी मिलेंगे नहीं ऐसा, इस, ऐसा इस, भागता हूँ मैं सो आई चेंज्ड माय मोबाइल नंबर सिक्स टाइम्स इन द लास्ट टेन इयर्स बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू आशिक बनाया करी सो या सो यानी बहुत लोग खफा होते हैं कभी कभी डैड मॉम को फोन जाते हैं कि अरे क्या पैदा किए हो ये तो हाथी नहीं आता ये तो ऐसा है वैसा है कौन सा ऐसा hmm. पुराना ऐसा गाना है जिसका रीमिक्स आपके पास में आया है अपार्ट फ्रॉम आशिक बनाया है आपने विच विच इज अ दैट टोल्ड मी पॉपुलर सॉन्ग बट देन नॉट सो पॉपुलर होता yeah. था था, तो फिर भी आई कैन मे बी गिव इट अ बहुत पॉपुलर yeah. ओ oh, oh, जाने जाना दे वांटेड मी टू डू आई लाइक यू डू नॉट टच द ओजी इट केम रिसेंटली एज अ रीमिक्स एंड वेल आल्सो there was like uh, Arjun uh, the singer I think he did a version but then what's your take on the remixes and the OGs? see my only thing is like मैं तो इसके लिए मैं तो original का झंडा लेके अकेले ही खड़ा हूँ मुझे लगता है कभी कभी मेरे <laughs> generation में मेरे साथ ही नहीं है कोई यहाँ पे यहाँ पे मैं and I think that is the path that is exactly who I am I realized that very uh, early on that the path that I'm going to take and uh, it's it's the walk that I have to make as a lion I can't be so you're a rebel in a good way yeah yeah, rebel yeah. with a cause with a cause there has to be that difference between me and uh, anyone who uh, chooses to uh, you know make music and I am in that era yeah last 10 years I, I've डिस्कवर्ड हुआ है दस साल हो गए मे बी इफ आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर अनदर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स तो मज़ा भी आना चाहिए यू नो दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आई गॉट एंड बाय की म्यूजिक hmm. चोर hmm. वाली फीलिंग hmm. आने लगी कि दिस इज लाइक अ जॉब और संगीत ने, अगर ऐसा लगने लगे इन एनी वे कि

पूरी सिचुएशन को देख करके और सिर्फ मूवी की स्टोरी सोच करके करके बनाती लाइक like, ऐसा होता ना कि शाहिद कपूर है yeah. शाहिद कपूर कपूर है में तो मैं के फोकस करके ही गाना और <laughs> मैं तो तो इतना खुश था, yeah. कपिल और आ, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू वाला गाना मिल गया मेरे को जो बनाना था ऐसा होता है ऑब्वियसली कि कैरेक्टर क्या है को कैरेक्टर्स क्या है

फिल्म कंपोजर अगर बनना है तो वो अप्रोच तो बहुत is, uh, यानी यू हैव दैट इज लर्न ऑन द जॉब सीखा जाता है वो यानी पहली बार मुझे भी स्क्रिप्ट था आई डेंट नो लाइक वॉट इज पी बी सर इन प्ले बैक वन इज़ अ सॉन्ग उसको लिखते हैं पी बी ऐसी सब टर्मिनोलॉजी आई डेंट नो सो आई मेरा म्यूजिक बट ऑन अदर हैंड इज स्क्रिप्टेड फ्रॉम माई लाइफ वट एवर आई मेक whether there have been heartbreak songs there have been songs of in love इसे रुला लेते हो आप सब यानी जो जो जो, हाँ। जो जो ने जो जो लोगों ने मुझे रुलाया उन लोग के लिए मैंने गाने बनाए और उससे थोड़े पैसे कमा लिए जिन-जिन लोगों ने आपको रुलाया <laughs> है क्या आपके गाने सुनने के बाद में उनका फिर से टेक्स्ट आया है कि हमसे गलती हो गई हाँ थे ऐसे दो-तीन बार हो चुका जीवन में बट आई थिंक uh, किसी को गलती फील कराने के लिए मैंने कभी गाने बनाए नहीं थे

बट यानी गानों से वो पेन एंड सफरिंग सब निकल गया लाइक आई हैड माई फर्स्ट सीरियस हार्ट ब्रेक आई मेड रोके रोके इट फ्रॉम लाइफ टू बी इन बद्रीनाथ की दुल्हनिया बट उसमें जो शब्द पेरो द साउंडस्केप भी मेक एज अकॉर्डिंग टू दैट फिल्म बट आई वॉज जस्ट दिस कि मै लाइक देर फैन दैट मी ऑल माई सॉन्ग्स का लिस्ट कि ना ट्रेवल रोड ट्रिप सॉन्ग देर इज सूरज डूबा दर सो आसमान

फील बैड द फेलियर ऑफ दोनों तरफ में ये आदतें देखी है मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए इन आदतों से एवरी थिंग ओकेजनली वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अब डॉक्टर अ डे वाली जिंदगी नहीं बितानी है थोड़े एप्पल्स खा लो सिगरेट पीते हो या दारू पीते हो ओवर डूइंग दीज थिंग मेक्स यू साइक्स यू नो सो वेन यू डोंट गेट सक्सेस

इंटेंसिटी दोनों की अलग है काम दोनों के अलग है आई एम नहीं फार मोर डीपर लेवल ऑफ म्यूजिक एंड ही डजेंट लाइक टू मेक फिल्म फिल्म म्यूजिक ही हेट्स फिल्म म्यूजिक वो बोलता है ये सब सिटुएशन निभाना मेरे को नहीं आता सो ही मेक्स पॉपुलर पॉप म्यूजिक फॉर हिज वाइफ बट लाइक वेन ही सैट विथ मी वंस आई टोक हिम थ्रू अ प्रोसेस एक गाना मैंने किया एंड ये मैं कहूँगा यानी विद आउट नेमिंग आई एम एडेड फॉर समी बहुत फेमस हो जाएगी <laughs> 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 उससे जरूरी नहीं है ये सब गाने का नाम तो इसी साल आया जरूरत <laughs> से ज्यादा विच गोज ऑन देंटिमेंट कि इट डिट वर्कआउट बिटवीन अस तो आप क्या बोलोगे उस इन अ पॉजिटिव वे एंड आई एम कम्प्लीटली डिप्रेस्ड अबाउट इट नॉट वर्किंग आउट हाउ ड्यू गेट दैट इन डो सॉन्ग एंड उसी दिन एंड माई ब्रदर्स लाइक यू आर हैवी एन दस टू मच इन यू लाइक हाउ यू डूइंग दिस एंड ऑल बट देन आई रोड अ लाइन विच वॉर ज़रूरत से ज़्यादा हुआ मैं तुम्हारा हाँ अब प्यार ना होगा कम बना ना सके जो तुम्हें हम हमारा तो लेंगे दोबारा जन्म इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ सेंग इफ आई डोंट मेक इट विद यू इन दिस लाइफ और होंगे कोई लाइफ जहाँ तू मेरी है सो दैट इज़ ऑल्सो वेड लाइक आई आई नवर लेट एनी थिंग मूव मी अवे फ्रॉम माई कहाँ जाना है लाइफ में वो दोस्तों के साथ पार्टियाँ हो या गर्ल फ्रेंड वाले डेट्स हो या माँ बाप वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ये फैमिली फंक्शन में आना है सबसे ऊपर रहा है म्यूज़िक और इस प्रोसेस में हेल्थ का थोड़ा तो ध्यान अब देना पड़ रहा है दिख रहा नहीं है क्लियरली मैं फिर भी यही खा रहा हूँ आज चलता है बट वीकेंड आई हैल्फ क्वाइट वेल आई थिंक पीपल अराउंड मी आई मी लाइक हेली इज नॉट बिकॉज शी इज बीन अ साउंडिंग बोर्ड लास्ट टू इयर्स इज शी इज अ बेबी शी इज अ लिटल वन बट शी हैंडल दिस बिग बेबी देन एंड माई डैड ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी मुझे जो होता है क्या होता है एक एक चीज़ का उनको नॉलेज है सब बोलता हूँ सो फॉर मी दीज पीपल एंड लाइक अरमान मॉम बट मोस्ट स्पेसिफिकली माई डैड हैज़ बिन लाइक यानी ही डजेंट बिकम लाइक अ सॉफ्ट टारगेट उन पर गुस्सा नहीं होता बट ही सीन माई मैडनेस ही सीन मी Not proud about it, but man i was mean, he strict with you earlier and now he has become your friend? Is it no, like no, that? No, no, never. He no. was always a friend. No. Sometimes I tell him, you need to be strict, bro. <laughs> he is such a such a bro and such a dude. <laughs> <laughs> oh, oh, गलत po post में आ गये, ओर गलत line में आ गये, बाप बनने की. वो उनका job ही नहीं था life में. उनका job था to be a bro. Oh, papa बनने बनना था उनका scene ही नहीं है. उस उनके DNA में है कि आप बोलना क्या करना है. चल घूमते आते. but that's what. so not uh, understanding of failure he has, that uh, success job yani for him it was unbelievable, like whatever Arman and i've achieved little bit in 10 years. and he know what local, for a family, you know, legacy, pressure, yeah, ye, yeah. Wo sab people yeah. saying thousand things. Yeah. प्लेट में मिल गया yeah. प्लेट में सिर्फ ब्रेड मिला था करियर तो नहीं मिली तो इट्स नॉट बीन इजी एट ऑल बट द मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट इज समथिंग दैट फॉर मी वर्क्स वेरी वेल पॉजिटिवली थ्रू माय म्यूजिक ओनली यानी वो निकल जाता ना एक गाने के फॉर्म में तो मैं उस फीलिंग से जीरो एनपीएनएल हो जाती है फीलिंग तो ऐसा होता है अमाल कि अगर आप अपसेट हो तो एक तरीके से म्यूजिक बना करके आप उस चीज को प्रोसेस कर लेते हो ऑफ हाउ लाइक इट स्टार्टेड क्या thought process था वेन यू वर्किंग ऑन द म्यूजिक मतलब आई वॉन्ट टू नो बिकॉज अभी तक मैंने मूवी देखी नहीं है बट गाने तो हम रेडियो पे चलो पे चलते हैं, <laughs> <laughs> काश मैं जा सकती बट आपको तो मैंने बताया था इंटरव्यू से पहले कौन है हेडशॉट इज इनका डेट निकालो मिर्ची पे बहुत कम काम करवाते हैं बट बोल बोला या बोल बोला हैज अ वेरी स्पेशल स्टोरी एंड इन ऐसा सब कहते हैं बट इसमें लिटरली कह सकते हैं कि कुछ यू you नो know, जैसे uh, एक पैरानॉमल फीलिंग है फिल्म में वैसे इस फिल्म में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ये ऑब्वियसली वन आर किड्स तो ग्रोइंग अपैरी मूवी फॉर अस 2006-7 में आई थी दिस सॉन्ग आल्सो बाय प्रीतम दामी जय तोमार एंड श्रेया घोषाल एंड समीर सौर इतना लेजेंड्री है और इतना सिनोनमस है इस फिल्म से कि यानी किसी को ये गाना रिक्रिएट करना ही नहीं था यानी देवर ऑल वेरी ऑफ टचिंग दिस वन एंड यूजली <laughs> मैं बी बींग रिल मुझे ये फिल्म में फेयर था दिमाग में कम्पेयर तो करेंगे ही करेंगे वो तो पता ही था बट uh, जब बनाया था इसका एक एडवांटेज आउट से कि मैं मैंने जब यह धुन बनाई तब मैं इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं था सो मैजिकल आल टेल यू हाउ सो डरिंग भूल बोला फिल्म वॉज अनाउंस्ड जस्ट फॉर माई ओन क्रिएटिव कुछली मैंने बोला कि अगर मैं कर रहा होता ऐसी फिल्म और आमिर जेतवार का सिचुएशन मेरे पास आता ये मैंने खुद को बोला है तब सेकंड पार्ट के टाइम दो साल पहले तो मैं क्या बना था और मैंने तब ही दुन ये धुन बनाई थी विच वॉज दो दिलों की प्रेम कहानी ले आई देखो बट यू नॉट फॉरगेट तो मैंने रख दी साइड पे बट कुछ उसमें एक एनर्जी uh, निकली शायद आसमानों तक तो गई है एंड वो पिक्चर हिट हुई और वो हिट हुई इसलिए तीसरी बनी और मैं उसमें हूँ सो दैट एंड अनिस बजमी आई वुड आप टू क्रेडिट फुल्ली क्योंकि ही बिलीव्ड दैट आई कुड डू इट क्योंकि hmm. बाकी सबको थोड़ा डाउट था क्योंकि आम यंगर एंड आई मेक अ लॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक एंड आई डो अ लॉर्ड ऑफ पॉप म्यूज़िक पॉपुलर जो गाने सुपर हिट सुपर हिट टैग जो देते लोग वैसे म्यूज़िक के लिए मुझे जाना जाता है बट देर इज़ अ वेरी डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ऐसा म्यूज़िक के अलावा भी कुछ करना है टाइम टू टाइम सो जब दिस सॉन्ग का यानी प्रीतम द लेफ्ट बोल बोले थ्री बिकॉज ही आर सोमिया द फिल्म वेटिंग इन लाइन फॉर हिज वर्क एंड ही कुडेंट गिव टाइम एंड शूटिंग के दो हफ्ते पहले ही बैक आउट एंड ऑबसली सच अ बिग नेम सच अग कम्पोजर एंड उनकी ओरिजिनल रह चुकी है इतना हिट पार्ट टू में भी म्यूजिक उनका ही था सो ही कोडन डू इवन वन सॉन्ग यानी एक भी गाने का टाइम नहीं था उनके ऐसा आईम हैप्पी बिजी कंपोजर बिकॉज ही ऑल्सो पेज द वे टू ग्रेट म्यूजिको उनका म्यूजिक सिंपल एंड हार्ट फल्ड होता है बट दिस वॉज सॉन्ग दैट अ मैन लाइक प्रीतम ऑल्सो ए डन हमसेल्फ यू नो कि उन्होंने कभी सम वन हुई धूम मचा लिया डिड आमी जे तो मार यू कैंट सी एन ली व सेम आदमी हो सकता है तो ही सरप्राइज्ड पीपल बैक देन एंड आई थिंक आई गोट अ चांस टू सरप्राइज पीपल इन द थर्ड पार्ट एंड अनिज बजमी आई थिंक इट वॉज

तो मैं पता है ना वो गाना हाँ सर पता है सर <laughs> ये गाना मैं आ, इसका रीमिक्स करना चाहता हूँ और आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाना है फिल्म में तो तुम आ जाओ कल ऑफिस और को जबरदस्त सुना दो हो गए कब चले रात और आज जबरदस्त आमी मोंजले का करके जाना पड़ा यानी लोग ऐसा कुछ प्रेयर कर जाते है। करके जाता आमी मोंजलेगा आमी मोंजलेगा करके पहुंच जाता है इनके ऑफिस सॉरी माइक हामी मोन्जूलिखा करके गया मैं उसके ऑफिस एंड दे वॉज एंड हीज़ लेजेंड इतना काम किया उन्होंने कमर्शियल सिनेमा अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ दीवाना मस्ताना एंड दीवानगी एंड सोम नो एंट्री यानी एक मिनट में उनको गाना सुनते विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो ही न्यू दैट दिस इज वॉट आई वॉन्ट तो वैन आई सैंग दिस पहले दो लाइन में फिर उन्होंने ऐसे देखा फिर देखे सुने एंड देन व्हेन आई डिड दैट पार्ट व्हिच वाज हमारे मिलन को है तरसे जो नैना इन्हें आज ना रोकना सो ही स्टार्टेड यू नो इन हिज चेयर फीलिंग वेयर आई एम टेकिंग हिम एंड द मिनट वो खत्म हुआ ऐसे उन्होंने बैंग किया ये उड़ जाएगा <laughs> <laughs> उन्होंने ऐसे मारा एंड ही लुक्ड एट द टीम एंड ये है ना ये है ना म्यूजिक ये ये यही तो मिसिंग था मुझे यही चाहिए एंड ही स्टूड बाय मी यानी बहुत सजेशंस बहुत डिपार्टमेंट्स हैं आजकल वैसा म्यूजिक इज आउट से नॉट सैडली बट इट्स अ स्ट्रक्चर दैट बीन क्रिएटेड बाय लेबल्स बाय प्रोड्यूसर्स बाय एवरीवन वन दैट एवरी वन हैज सुपरवाइजर्स एंड ये टीम एंड इतनी बड़ी फिल्म है तो सब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं एक्टर्स से लेके देन यूअर doing a song विच है विद्या बालन और माधुरी दीक्षित या देन यूअर अलसो लाइक इन अवे डेब्यूइंग विथ देम तो वो सब थॉट्स तो थे कि अब मैं क्या करूँ इसमें जो और देन द वज चिन्नी प्रकाश जी जो लेजेंडरी कोरियोग्राफर है, ही सेज कि यू नो वो एक आइडिया लेके कि अरे but there were 97 drafts made before they went to shoot and there were 42 versions before it released last two weeks and it, we started working on the film on 9th january and it released two weeks ago so it's like i have self-created a baby no my no my i have knocked myself up and created this <laughs> ये एक्सेलरेटेड हो गया ज्यादा ही मिलची टू हॉट टू हॉट टू हॉट वेरी हॉट अनीस भस्मी सर का एक इंटरव्यू देख रही थी मैं जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने सेट्स के टाइम पे स्पूकी कुछ तो सेंस किया था भूल भूले या 3 के टाइम पर यस तो आपने कभी ऐसा कुछ ऐसे स्पूकी एक्सपीरियंस किया हैamal तीन बार हुआ ना इस गाने में ऐसा वाइल्ड वी आल्सो वर्कड ऑन इट देयर वाज दिस दैट्स अस अ पैरानॉर्मल या या नॉट जोकिंग और आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट आई लव इट गोसा माय फ्रेंड्स What? Yeah. That, that, is the most terrifying experience. In Rajasthan. वो तो मैं बोलना ही नहीं चाह रही हूँ but हाँ बैठेंगे ना एक दिन अभी 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 तो kidnap करने वाले हैं आयली और मैं और अभी ghost stories सुनेंगे no but ऐसा uh, इस uh, film पे I तो went on the set and that day I think किसी uh, की uh, someone passed away on the set because of uh, this that uh,

वेन दैट है म्यूजिक शुड स्टॉप राइट द संग्ड इट कैप्ट प्लेंग ऑन द ब्लूटूथ इट कैप्ट प्लेंग पूरा नाइन मिनट्स का एक ड्राफ्ट था क्योंकि फिल्म में वो ऑलमोस्ट फोर्टीन मिनट्स यू नो गाना उतनी बार आता है इन टू टू मिनट्स टू टू मिनट्स बट वो नाइन टेन मिनट्स का जो ड्राफ्ट बना है वो बंद ही नहीं हुआ है ब्लूटूथ बंद हो गया है फ़ोन बंद हो गया है और वह चल रहा है उधर

पूरा बिल्डिंग का है दोनों ओनली आर स्टडी व्हाट द ऑडियो साइड का पूरा बिल्डिंग का गया hmm. पूरा विंग ऑफ ऑडियो विंग श्रेया के रिकॉर्डिंग में हुई श्रेया घोषाल रिकॉर्डिंग यार आने से पहले ही स्टूडियो शट डाउन लाइट्स बंद सब कुछ बंद आई थिंक सोनू 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 निगम जी का जो सेकंड uh, वर्जन है ना उसमें देयर वाज डिविनिटी लाइक ये सब मोमेंट्स के बाद यानी ऑब्वियसली श्रेया घोषाल इज द मेन शी इज द दिन द ओजी ऑफ द सॉन्ग उनके बिना तो ये गाना यानी कर ही नहीं सकते थे एंड इनिशियली फॉर मी आई हैड थॉट ऑफ ब्रिंगिंग कविता कृष्णमूर्ति जी और के एस चित्रा विद श्रेया घोषाल फॉर दिस टू हैव दैट डिफरेंस बट वी अ शॉर्ट ऑन टाइम बट द वे शी परफॉर्म एंड शी साइंग फॉर बोथ ऑफ देम इफ यू सी इन द फिल्म एंड यू सी द वीडियो अदाकारी नखरे एंड मुरखीज फॉर माधुरी दीक्षित आर स्पेसिफिक फॉर विद्या बालन अलग टोन है अलग सिंगिंग है और वो एक ही इंसान कर सकता है श्रेया घोषाल के अलावा कोई नहीं एंड देन सोनू जी केम एंड ग्रेस्टाज इट अदर वर्जन जो रिवेंज एंड मैडनेस एंड यू नो वेंजेंस वाला वर्जन है सो so, इस गाने को तो ऑब्वियसली uh, मैं कहता कि वो कभी भी इन एनी फॉर्म इवन इफ इट वॉज लेफ्ट एज इज ये सक्सेसफुल तो हो ही जाता But now the way it's reaching out is like as if an original has come. Wo, that is a happy moment people for People are me. actually thanking you on internet. I saw a lot of posts where people actually wrote that thank you for bringing Sonu Nigam in this. Yes. <laughs> yeah. Because uh many stories where people Sonu Nigam Sonu part in a loop. Pe like Shreya Ghoshal is the OG. Yeah, but yeah. then getting a voice which is refreshing in the song which we we've been hearing it's like the most expected but no one did it no yeah यानी who else can do this kind of singing and classical sargams or tandav and you know that whole was तो yani he blew us away like हम यानी वो पांच घंटे छः घंटे का studio बोकुआ था पर उन्होंने एक डेढ़ घंटे में कहा दिया है and it is not easy it's a four and a half minute सीधा वन टेक दो बार वन वन टेक दे के वी व डन बट द डिसन ऑफ दैट ऑल्सो कम केम के सेकेंड पार्ट में अरिजीत थर्ड सांग इट सो यू नो आई वॉन्टेड कि या तो वो गाए बिकॉज वी हैव ऑलो वर्कड एंड डन सम सम्रमेंडस वर्क टुगेदर एंड ही इज टूडेज टॉप सिंगर बट कहीं ना कहीं uh, आई थिंक वी ऑल्सो एम डू अट अंडरस्टैंडिंग जी वॉज ऑल्सो नॉट कीन की लाइक पहले उसने बोला कि शूट कर ले जिस पे भी एंड देन वील सी बट आई थिंक ही वॉन्टेड टू डू जरूरत से ज्यादा एंड द सॉन्ग दैट वी डिड फ्राम वेद एंड हीज एक्साइटेड टू डू दैट क्योंकि अलग रेंज था ही वॉज सिंगिंग इन अ स्के आई हड सॉन्ग वॉइस अलग ही वॉन्ट्स टू कीपॉल्विंग वो जो जरूरी है दीज लाइक हाउ आई टूक अ डिसीजन फॉर माई करियर सेम वे ही इज टेकिंग टू डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू तो आई थिंक आज वो भी जब सुनेगा इल बी हैप्पी यू नो वी ब्रिइंग आर टाइम्स हीरो फॉर पीपल लाइक अरिजीत यूज फॉर अस इट्स ऑलवेज बिन सोनू निगम बिन आर ब्रेकअप है सोनू निगम के के एव बिन लाइक आर चाइल्ड हुड सो उनको लाना तो नो ब्रेनर था एंड द वे ही परफॉर्म्ड एंड मैंने उनको जब सिटुएशन समझाई दिस इज़ वेयर दैट होल कि स्क्रिप्ट में यहाँ पर हम स्क्रिप्ट में घुसे बहुत एक्सट्रीम लेवल तक yeah. क्योंकि द रटिंग ऑल्सो दैट समीर सर इज रिटन इन दिस की भोला भाला था सीधा साधा था नादान द कैरेक्टर्स इन सेंस बट वो यही बात है दैट यू नो ऑल द फोर दैट ज्वाइन टू मेक दिस वर्जन हैपिन ऑल फोर कम फ्राम अ प्लेस ऑफ प्योरिटी यानी राइटर इतने सालों से वो ऐसा काम कर चुके हैं सोनू निगम सिंगिंग लाइक वी डोंट इन न होमनी सॉन्ग्स बट इतने यानी अभी मुझमें कहीं कल हो ना हो ऐसे गाने कभी हम तक कभी अलविदा वुड नेवर लाइक रिमेन विद एफ एड नॉट संग इट एंड श्रेया घोषाल इज यानी मेरा तो मैं तो पर्सनली आई एम टू पार्शियल टू अर आई शी इज अ लेजेंड बट मेरा तो ऐसा ड्रीम है विद आई फील शी इज द लता मंगेशकर टू माई मदन मोहन वो बनना है हमें यू you नो know, आपने बार एक बात एकदम करेक्ट बोली बिकॉज यू नो माय मदर शी इज लाइक सेवेंटी इयर्स ओल्ड एंड एवर शी लिस श्रेया घोषाल शी ऑलवेज टेल्स मी दैट यू नो शी इज आज के जमाने की लता मंगेशकर एंड सुनिधि इज आज के जमाने आशा की भुस्ली। आशा घोसल right. तो वो अच्छी तरीके से यहाँ पर डिमार्केशन हो चुका है अच्छा माल मुझे एक बात बताइए आपकी प्ले लिस्ट में कौन से गाने चल रहे हैं अभी वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लिसन टू एंड वट विच दैट वन सॉन्ग विच इज़ योर गिल्टी प्लेजर जहा हाँ, yeah. hmm. like on, on yes, पे भी अलग अलग एप्स पे अलग अलग म्यूजिक सुनता हूँ थोड़ी अजीब सी है लॉर्ड ऑफ

Which is like fully unknown artists from outside mm -hmm. India, India, yeah. anywhere. I Any mean, not even the ones that are discovered on the top 50, 100s ke sab paradox. Ke kya sound wise, what is happening? Then my research also moves away from playlists. I have two boys who work with me, they're 16, 18 years old 21 year olds, And unloved. Coach. अलग ही दुनिया सुनते हैं देसन टू ऑब्वियसली ट्रेवे कॉट एंड वेस्ट वेस्टर्न ऑल बट उन लोग साउंड ड्रिविन जनरेशन है उन लोग को बेस लाइन बिग साउंड बीट्स अग्रेसिव या तो एक्सट्रीमली अग्रेसिव म्यूजिक दे लाइक और दे लाइक लोफा यू नो दैट स्पेस सो दैट अंडरस्टैंडिंग भी है बट अगर मुझे आज चार पाँच गाने जो मैं यानी बैक टू बैक सिर्फ एक ही है फीमेल वाई बी सॉन्ग बट दैट्स माई सॉन्ग विच मेक्स मी स्म एंड फील की मैं तो अभी सीलिंग पे फुल खुशी से चलाता हूँ गाड़ी एंड देन देर इज जीत गांगुली सर

आई थिंक एक दो गाने यहाँ वहाँ छोड़ के वो पूरा वो पूरा जनरेशन मैंने जिया आई हैव बिन लिसनिंग टू दैट म्यूजिक सिंस यानी धा धा रा ये पूरा एरा मुझमें है एंड समटाइम्स आई फील मिसप्लेसड यू नो मैं ऐसे गाने बनाता हूँ आई जस्ट प्रोड्यूस दम स्मार्टली टू साउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बट आई एम अ फुल ऑन सिक्सटीज सेवेंटीज एटीज नाइन्टीज़ का कंपोजर

इन टुडेज जनरेशन ओबियसली देर देर आर सोमनी डा अराउंड डाढ़ा टैलेंटेड बट नए भी आएंगे हम लोग सब भी कल सीनियर्स हो जाएंगे बट वन थिंग दैट आई बिलीव दैट आई डू द बेस्ट हाउ ही डज द बेस्ट इज रोमांस आई थिंक ही इज़ द किंग ऑफ रोमांस देर एंड आई थिंक आई एम बिकमिंग दैट योर आई एम ऑन दोज फर्स्ट फ्यू स्टेप्स वो जहाँ डर और बाजी कर पे थे मैं वहाँ हूँ अभी अपने करियर में तो so, मैं भी बनूंगा एंड आई थिंक दैट इज माई अल्टीमेट ड्रीम टू मेक म्यूजिक फॉर हिम बट इफ आई हैड टू चूज पहले से ऑब्वियसली राजेश खन्ना जी दिलीप साहब शुड बी पीपल नहीं आइकॉनिक पीपल हु कैन कैरी ऑफ ग्रेट लव सॉन्ग्स एंड यू नो मीनिंगफुल गाने अमित जी के साथ तो इट आईव डन इट ऑल्सो डन बदला बट वो वैसा म्यूजिक नहीं था एज यू नो But uh, I think Shahrukh Khan is the last uh, hope for me to. Uh, yani, if the listeners need to have a greater than greatest romantic album, it has to be uh, Amal x Shahrukh Khan. And if you have to collaborate with any of the music directors from this time and that time, who are Amal? आजकल तो पता नहीं यानी म्यूजिक डायरेक्टर्स कहाँ ही कोलाबरेट करते बेचारे कम्पीट <laughs> करने में फंसे हुए बेचारे कोलाबरेट तो हो रहा नहीं किसी से कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी म्यूजिक डायरेक्टर का फ्रॉम दिस जनरेशन सुना म्यूजिक को बहुत अच्छा लगा और आपने आगे से बढ़ के अप्रोच किया कि यार वी शुड डू समथिंग आई थिंक सिर्फ मैं ही करता हूँ पूरी इंडस्ट्री में आप देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे हर एक कंपोजर जिसने अच्छा काम किया hmm. और उसके गाने ने दिल को छुआ आई हैव शेयर्ड द म्यूजिक कभी ऐसा नो सुनने को मिला एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं हुआ yeah. 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 तो हो सकता है मेरी फिल्म कभी एक्स लेवल पे बट वो उस लेवल दूसरे लेवल hmm. के hmm. तब होता है बट मेरे दोनों जो वॉर हाउसेज है फॉर मी आर अरिजीत एंड अरमान मेरे घर में मेरे पास इतना बड़ा सुपरस्टार है मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता बाहर जाते तो अरिजीत सिंह सोनू निगम है यानी आई आई लाइक द वॉइस दैट आई वुड लाइक टू कलाबरेट ऑब्वियसली जूबिन आई लाइक वी डेड वन सॉन्ग बट यानि हम लोग को वैसे अपॉर्चुनिटीज आए नहीं है वेर वी कुट आई आई वुड लाइक टू मैं ऐसी काम नहीं करना चाहता क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक अ सॉन्ग दि स्पेसिफिकली साउंड्स ग्रेट इन देयर वॉइस यानी मेरे को पता है कि मेरे पांच गानों से विच विल साउंड गुड इन मोहित चौंस वॉइस साउंड ग्रेट इन जूबन्स विशाल मिश्रा इज ऑल्सो वेरी नाइस सिंगर सो ही एंड आई माइड बी डूइंग एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग सून विच माइट कम फ्रॉम टी सीरीज बट फिल्म के लिए आई थिंक कभी कभी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा से होता है टू आज चूजिंग सिंगर्स यानी बिगस सिंगर कंपोजर्स कैन टेक अ मोर स्ट्रॉगर स्टैंड मैंने जब स्टैंड लिया मैंने पिक्चर खोई है ऐसा भी हो आई हैव टेकन अ स्टैंड ऑफ टेकिंग एक्स टेकिंगर एंड सिंग ये नहीं होंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा एंड मेरे को निकाला गया फिल्म से स्ट्रेट तो ऐसी चीज़ें तो मैंने 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 वो स्टैंड लेना बंद नहीं किया है

I I have a good friendship <laughs> with them, so it works out. Like I worked to Shraddha, Pariniti both, but both but are fabulous singers. And नहीं आता झूठ मेरे चेहरे पे दिख जाता है कि भाई क्या कर रहे हो बट ऐसा टफ लाइक दैट इफ यू हैव टू टीच देम ताल एंड सोर एंड ऑल बट जिनको थोड़ा बहुत भी समझ है बट सिंगिंग वाइज लकीली आई हैव नॉट कास्ट ऑल्सो ऐसे देर है सॉन्ग दैट है बहुत क्वेश्चन किया है ऑडियंस ने नहीं लेब ने एंड प्रोड्यूसर्स ने बट ऑडियंस ने हमेशा ग्रेट ठीक दे वॉज

भूषण जी हिमसेल्फ वॉज नॉट संग तुम जो आए जिंदगी में क्या कर रहे हो तो आई आई रिमांडेडम रेफरेंसमेंस फॉर मीज इजी टू जस्ट लाइक हिट सॉन्ग एग्जाम्पल सेफ शी ओनली साइन लव मेरा हिट हिट सोनी है उसने जानू तेरी बातें मीठे मीठी करूँ क्या तुलसी

जानती हूँ मैं तुझे तू तु कितना ब्लडी फूल है ऐसे गाते गाते श्रेयाज श्रेयास तलीमी तुमने मुझे ये गाने के लिए बुलाया सो बिन मोस्टली मेरे चॉइसेस तो अब तक uh, जहाँ पे भी आव टेकन दैट कॉल uh, मैंने किए है आई थिंक विध विशाल ददलानी ऑल्सो सिंगिंग हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए सॉन्ग राइट नो आई डों कम बट आई रिकॉर्ड हिमेश जी ऑन लाइक रेज डांस नंबर

आई सी यू नो व्हेन आई मेक सच सॉन्ग्स मुझे दिखता है कि ये इनके जैसा गाना है तो यू नो दो सॉन्ग्स आर लाइक बैंक सॉन्ग्स बड़े कम बना दो बट वेन आई मेक लाइक आई मेक इट थिंकिंग कि दिस इज फॉर This particular actor. ऐसा कौन सा weirdest brief मिला आपको किसी producer से या director से? You were like ये कैसे इसके ऊपर मैं क्या बना सकता हूँ? And then you were like ऐसे मैं पांच मिनट में आता हूँ और फिर आप चले गए <laughs> हाँ, तो <laughs> <laughs> <वारा> पागल दीवाना <laughs> हाँ ऐसे खराब खराब ब्रीफ तो कितने आते यानी कुछ भी Your चलो अमाल, सबसे खराब ब्रीफ था कोई फिल्म के लिए उसमें मैंने फिर आ, वो पता नहीं किसने ब्रीफ किया था मुझे याद नहीं आ रहा याद आ जाएगा तो मैं उसको फोन भी करूँगा <laughs> क्या ब्रीफ था भाई मजा आ गया इट वॉज इट वॉज फॉर जिसमें फिर वो गाना था नोरा फतेह दट सॉन्ग श्रेयाडली सॉन्ग कोका कोला समथिंग व्हाट इज दैट सॉन्ग जालिमा कोका कोला पिला दे अच्छा गाना था नो डाउट बट उसके लिए मेरे को जब ब्रीफ किया था मेरे को यानी बोला मेरे को बोला गया था एक घिनौना आइटम सॉन्ग चाहिए यानी लड़के लोग दीवाने हो जाने चाहिए ये वो ये वो इट्स हॉट टेस्ट हो जाना चाहिए एंड यानी इट इज लिटरली उन्होंने वो बोर्ड यूज किया था।, था।, था बड़ा बड़े बड़े ही हवसी लोग होंगे वीडियो में वैसे दिखने वाले वैसे दिखने वाले ये वो मतलब मैंने क्या ही इमेजिन कर लिया और क्या ही बना था इसलिए मेरा वो गाना नहीं हुआ इसलिए बन मैं तनिष्को श्रेया नहीं किया कोका कोला पिला दे उसने सही पकड़ा इसके लिए रिस्पेक्ट है कि कुछ समझा नहीं तो बोला तो कोक पी कर जा तो क्या गाना था बिग हफ शो तनेश फॉर ब्रिंकिंग यानी स्मार्टली दिस पुट जालिमा कोका कोला पिला दे हमें <laughs> कोका कोला में आप इमेजिन करो वो क्या है कैसा कोका कोला बट आई डोंट नो इट दिस दिस वाज अ पाकिस्तानी सॉन्ग यस है ना हां बिकॉज़ आई हर्ड इट व्हाट टाइम पैटर्न बट हम, हम लोग तो इस बारे yeah. में बड़े बेशर्म हैं ना जो पाकिस्तान का हमारा तो ही है, है। है, हाँ. केस करेंगे कैसे हम पे <laughs> <laughs> हमारी पूरी इंडस्ट्री ऐसा क्यों करती है पता नहीं बट यानी उनके गाने उनके एक्टर्स उनके सिंगल्स और फिर वो सोशल मीडिया पे लिखता हमारा गाना ले लिया इसको हाँ, खराब कर दिया फिर भी कुछ नहीं होता है यानी इस देश को हम हम लोग बड़े घटसी है यानी उन लोग रोते जा रहे हैं बस दुआएं देते दे जा रहे हैं आपको कि भाई ये भी ले लिया नाच पंजाबन भी ले लिया पता नहीं कितने और अभी वो भी ना तना दे दे मोहल्ले कूच ना करी

यानी yani, कर गया लोग ऐसा कर दिया यानी फुल इन योर फेस मेरे बेचारे फैंस इन पाकिस्तान रियली हेट मी फॉर दिस बट दैट्स द ट्रुथ अभी रीसेंटली वी डेयर यू टू कम योर ओके सो नस वी विल हिट यू वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट आई विल नॉट हिट यू ऑन लेटर यू कांट हिट अस वी कांट हिट यू वी कैन डिजिटली रॉब योर सॉन्ग्स एंड रिलीज इट एंड भूषण कुमार जी से कौन भेड़ेगा <laughs> और कैसे भेड़ेगा बट ऐसे कभी आपको बोला है है है। कि ये गाना है, ये गाना मतलब चोरी कर ले यार। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत बार. हाँ? Hmm. कौन सा? आज तक का है, I hope बना रहे। यानी मुझ पे ऐसा अब तक कोई भी इल्जाम दो तीन फिल्मों में था ना ऐसा डायरेक्टर बट अक्षय कुमार सर वॉज द एक्टर इन द फिल्म अरे बट गाना कोई था पाकिस्तानी गाना था जो पूरा ले लो एंड जस्ट मेक अव बीट ऑन डन गिव मी आूट ऑन दिस सन वे डन सर नहीं बाई मैं नहीं करने वालों एंड यानी आई बिलीव एनी वेयर हुए देर आर्टिस्ट इन द है या उनकी फैमिली है कुछ आप लाइसेंस कर लो पे दैम फॉर द सॉन्ग टेक इट ना क्या प्रॉब्लम है किसी का भी यू वॉन्ट इट्स म्यूजिक ऐसे ही चलता है ग्लोबली किसी को आज दे वांट आबिदा बरविन सॉन्ग ऑल्सो दे विल कॉल टेक असरत फतेह अली खान दूसिंग इट इन सो मनी ग्लोबल फिल्म बैकग्राउंड स्कोर में उनका आलाप चल रहा है कई इन एपो कलिप्टो द मूवी एंड ऑल मेल गिप्सिन एज लाइसेंस राहत फतेह अली खान नुसरत फतेह अली खान वॉइस तो कर लो क्योंकि आर्टिस्ट और सब को हर्ट करना इज़ नॉट माई थिंग ऑल्सो

सो so फार्मूला 36 34 50 जो भी हो फोन बंद रन नहीं मिलूंगा मैं अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा वियर्ड ट्रोलर का कमेंट व्हिच मेड यू लाफ व्हिच वाज वेरी वियर्ड मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कमेंट है मेरे को लगा ट्रोल कर रहे है बट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट था अमल मलिक शुड रियलाइज ही इज नॉट अ सुपर ह्यूमन हाउ इज ही मेड दिस आमीजे तुम आर सो डिफरेंट तो मेरे को समझा नहीं ले रहा है, मेरी क्लास मैंने प्यार कर रहा है बट uh, नीचे लव यू सर भी लिखा था तो यानी चारों तरफ से उसने चारों खाने चित्त कि खुद सेट हो गया है <laughs> भी हो गया लाइक भी मिल गया मेरा रिट्वीट भी हो चुका है और चार फॉलोअर मुफ्त में भी मिल गए और मेरी तारीफ हो गई है तो मैं हंस रहा था आप जाके पढ़ते हो पूरे कमेंट्स जो आपके Instagram पे हाँ, पे पे आते हैं लाइक नहीं पढ़ता ट्वीट्स पढ़ लेते हो हाँ, तो नहीं, मेरे तो मेरे ऐसे-ऐसे क्या भुला देना चाहता हूँ <laughs> तो क्योंकि आप चाहते हो बुलाना तो एक किस्सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी दिलाओ जल्दी please, दिलाओ। please. Please. नहीं पन, नहीं मैं आपसे पूछना जाऊंगी कि ऐसा कोई ऐसा

फॉर सम थिंग दू हफ्टो ओल्ड दैम रिस्पॉन्सिबल वेरी स्टूपर्डली ओनली मेरे तो ऐसे रिलेशन बहुत अच्छे विद सलमान सर एंड हीज लॉन्च बोथ अरमान एंड आई बट वी हेड दट कॉन्ट्रोवर्सी वेर सैट शाहरुख खान इज माई फेवरेट एक्टर एंड फैन स्टार्टेड लाइक अब यूजिंग माई मॉम एंड

तो मेरी मम्मी को एंड देन टेकिंग गिविंग रेप थ्रेड्स टू माय फीमेल फैंस बच्चों बच्चों को ऐसे लिख रहे हो फिर मैंने बोला अब तो भाई अब तुम जाओगे तो मैंने फुल उनको और फिर धज्जिया उड़ा दिया बहुत बुरी तरह एंड देन देर देर लर्न देयर प्लेस नाउ नो वन लाइक स्टार्ट क्यों करना है आपका आप मेरे से लड़ लो से ना वट डाउ यू वॉन्ट से टू मी वाई यू वॉन्ट टू वीमेन एंड गर्ल्स एंड मम्मी को कहाँ से घसीट रहे हैं तो so, मैंने भी एक्चुअली उस उन्होंने उन्होंने मम्मी को घसीटा तो हमने भी उनकी मम्मी दादी नानी सबको को घसीट लिया वो गलत है मुझे वो नहीं करना चाहिए बिकॉज देयर कम्स नॉट बैकलैश बट मे को मे बी आई डेंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ दट आई स्पोक बैक टू इन देयर लैंग्वेज फिर मैंने बाद में रहमान सर ने मेरा एक गाना जिस दिन ट्वीट किया उसके बाद मैंने गाली देना बंद कर दिया इंटरनेट पर <laughs> मैंने उसके बाद बोला अब अपन कोई है यू नो द डे ये आर रहेमान ट्विटेड अ सॉन्ग ऑफ माइंड आज लाइक नाउ यू आफ्टर हैंडल द पीज एंड क्यूज क्योंकि देन यू नो दैट सच पीपल ऑल्सो आर लुकिंग एट यू एंड आई थिंक देना जवाब ज़रूरी है जिन चीज़ों पर बहुत ही ट्रेवलर सब है लेकिन कोई पॉइंटलेसली पीछे पड़े और कुछ भी बोल रहे हो वो तो अलग वो तो इंटरनेट है एंड मान लो फ्री का छोटा रिचार्ज करके mm. बैठे मैंने कल ही किसी की बैंड परसों बजाई बह है बहुत प्यार से अबाउट दिस तो देर इज that keeps happening. but don't mess with my uh, fandom and don't mess with my family. Yes, um, which is the funniest and the cutest fan encounter recently you've come across? i would say all of them. i mean, there is that's what not I'm on the internet but in person, Chalo. yeah, that's what yeah. i'm saying. in person, yeah. may I mean, this is a little bit of a sad point uh, that uh, we couldn't save her. she was a fan of mine. she's not uh, alive anymore. पास्ट अवेयर टू इयर्स बैक बट शी वॉज अ केम विद एंटायर फैमिली फ्रॉम फ्रॉम बांग्लादेश फ्रॉम इंडोनेशिया पता नहीं कहां साकठा करके आ रहे हैं इंडोनेशिया से वो खुद बांग्लादेश से आ रही है फ्लाइट ऑन करके अपने मम्मी पापा के साथ बर्थडे केक लेके मेरा बर्थडे तीन दिन बाद था तीन दिन तीन दिन से शी वॉज कमिंग टू द गेट एंड लाइक ट्राइंग टू मेट एंड वी डेंट नो एंड शी केम टू दट इवेंट एड इन ऑर्बिट का कुछ टेंथ ईयर या फिफ्टींथ इनिवर्सरी एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम दीज दीज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू लिसन टू अर शो इज इन बॉम्बे तो ऐसा एंड देन इन आई रिमेंबर शी तभी तो कोई मैनेजमेंट थे नी भाई अभी हेली

But now it's completely like uh, taken care of by Shevani. Yeah. She is the head of the fan club. She now stays in Canada, but she is an amazing girl. They have planted hundred trees because wow. I completed hundred songs. They went and हर गाने के नाम से मेहरवान हरों का tree है, बोल दो ना झरागा tree है. So they do that. It's mad. मेरे को I feel that's what ना जब composer तो ये सब ऐसे देखना और ऐसे जल्दी देखना in life. लाइक like, जल्दी नहीं कहूँ बट यू नो कि अनएक्सपेक्टेडली देखना यानी आई नो शुरू होते कंपोज फाइव ईयर्स एंड दे वुड बी सो मच लव दे लव मी लाइक हम सम हीरो इट्स क्रेजी ऐसा ऐसी फॉलोइंग और ऐसा जो ना सोशल मीडिया पे फ्रेंजी यानी आप यानी यू कॉन्ट हैव दिस यानी ये ब्लेसिंग ही है द वेट कम्स टुवर्ड्स मी लाइक देर देर आर किड्स हु आर बॉयज एंड लाइक आई हैव सिक्सटी सेवन परसेंट मेल फॉलो ऑन इंस्टाग्राम कॉलेज शो पर जाते तो दे आर स्लीपिंग ऑन द कार ऑन द बोनेट एंड ऑल एंड दिस थिंग्स आई हैव ओनली सीन वन सुपर स्टार्ज कम सो देर इज समथिंग इन द म्यूजिक एंड जो मेरी पर्सनैलिटी और सिंपलिसिटी है मे बी दे वाइब टू दैट दे फील कि ये रियल बनता है बाई इसके जैसाई वी शुड मे बी फॉलो दिस पाथ बट इज़ नॉट द राइट पाथ टू फॉलो इन दिस फिल्म इंडस्ट्री you want to be a good human being, yeah, maybe. <laughs> but you want to be successful. <laughs> don't walk on koala like me. <laughs> <laughs> what message you want to give to your listeners and the audience who are going to be watching you on mirchi? first of all, i want to give uh, a big, big hug virtually to mirchi because, uh, you know, this is where uh, the first few steps.

अभी तो आपके ऐप आप पे आप गाने सुनते हो बट देर इज डिफरेंट फीलिंग और लिस्टिंग टू म्यूजिक जब आप गाड़ी में और अपने आप वो गाना बजता है रेडियो पे एंड सो टू एवरी वन लिस्निंग टू मी ऑन दिस रेडियो स्टेशन एंड वेर एवर दिस प्लेस आई वुड से कीप लिस्ट टू ऑल काइंड ऑफ ओरिजिनल गुड म्यूजिक सपोर्ट एनी न्यू आर्टिस्ट लाइक हाउ आई वेल्सो डू माई बेस्ट इफ आई सम मैं उसे शेयर करता हूँ सपोर्ट करता हूँ मेरे फैंस को भी कहना चाहता हूँ इफ़ यू फाइंड सम गुड सिंगर्स सम राइटर्स म्यूजिशियंस जिनको यानी वो जगह मिलनी चाहिए आई हेव स्टार्टेड माय ओन लेबल ऑल्सो विथ माई डैड से एंड इट्स अ लेबल वी मेड फॉर पीपल हु आर मे बी जस्ट बिगिनिंग एंड दे डोंट हैव एक्सेस टू द बेगर लेवल्स यू यू कैन सेंड मी योर म्यूजिक एंड वील रिलीज इट फॉर यू सो एनी फ्रॉम द म्यूजिक कम्युनिटी यू हैव मी एंड डबू मलिक एज Your friends in this place, where you shouldn't make friends, but you can make friends. <laughs> you, you, can, you can be friends with us, and the only way to be friends is make a good song. And if you want to put out good music, uh, we are the home to that. And Bakito Ache achhe raho, khush raho. life mein mat. Majhe karo, diet मम्मी पापा की सत्तर परसेंट बातें सुनो तीस परसेंट अपने दिल की करो नहीं तो फिर आ, कल उनको ही ब्लेम करोगे देखो आप क्या जैसे किया थर्टी <laughs> परसेंट तो, तो खुद का करो सेवेंटी परसेंट मोम की सुनो मम्मी की ज्यादा सुनो फिफ्टी मम्मी की बीस पापा की बस एंजॉय लाइफ